इस नववर्ष पर सूखी मछली और गीले चावल ही खाएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। जानिए क्यों। पिछले दो सालों से बांग्लादेश में हिल्सा मछली न पकड़ने की अपील की जा रही है ताकि मछली की जनसंख्या बढ़ सके। यहां हर साल 1 मार्च से हिल्सा को पकड़ना प्रतिबंधित किया जाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बंगाली नववर्ष पर पानी में भिगोया चावल, पांता भात और सूखी मछली शूत की भोरता खाने का फैसला किया है। पीएम ने यह फैसला मछली की प्रजाति हिल्सा को उनके प्रजनन के मौसम में बचाने का संदेश देने के लिए किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगपुर जिले में रहने वाली महिलाओं द्वारा नववर्ष के समारोह के लिए पीएम शेख हसीना को निमंत्रित किया गया है। इस आयोजन से पहले शेख हसीना ने खाने को लेकर कहा है कि मैं नववर्ष के पहले दिन पांता भात खाऊंगी, लेकिन शूत की भोरता के साथ हिल्सा के साथ नहीं। बांग्लादेश में पिछले दो सालों से हिल्सा मछली न पकड़ने की अपील की जा रही है ताकि मछली की जनसंख्या बढ़ सके। यहां हर साल 1 मार्च से हिल्सा को पकड़ना प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध 2 महीने के लिए होता है। इसी अपील के तहत वहां की पीएम शेख हसीना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आप सबसे नववर्ष पर हिल्सा न खाने की अपील करती हूं। दरअसल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल समेत दुनिया भर में 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश में मंगलवार शुभ यात्रा भी निकाली जाती है जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों में सब नवंबर वर्ष के बैनर लेकर जुलूस निकालते हैं। अप्रैल महीने की 15 तारीख को सेलिब्रेट किए जाने वाले इस त्योहार को पोइला बैसाख या नोबो बोर्शो भी कहा जाता है। बंगाली नववर्ष के बारे में कहा जाता है कि इस दिन मुगल राजा अकबर ने 15वीं शताब्दी में बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत की थी। तभी से इस दिन को नए साल का पहला दिन माना जाता है। बंगाली लोग इस दिन से नए काम की शुरुआत करना शुभ मानते हैं। इस दिन जहां महिलाएं ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आती हैं, तो पुरुष कुर्ता पैजामा पहनते हैं।